हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर बजटरी कंट्रोल कॉस्ट मैनेजमेंट की बुक से बीकॉम फोर्थ सेम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या और स्टडीज़ में भी आपको ये जो चैप्टर है बजटरी कंट्रोल देखने को मिल जाता है। एंड जो गाइस ये चैप्टर है ये हमेशा क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो आज इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस तरीके से जो क्वेश्चन है वो फ्रेम होके आ सकता है एग्ज़ाम में, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, 15 मार्क्स के क्वेश्चन भी करेंगे और 5 मार्क्स के भी क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर गाइज आप चैनल पर न्यू हैं तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि गाइज इस तरीके की वीडियोज़ आपके एग्जाम से रिलेटेड, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड आती रहेंगी। और ऑलरेडी मैंने अपलोड भी कर दी हैं, आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। और गाइज ये जो पीडीएफ से मैं आपको पढ़ा रही हूँ और ये जो नोट्स देख सकते हैं आप, अगर ये आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, टॉप पे ही दे दिया है, उस पर जाके आप मेरी वेबसाइट को ओपन कर सकते हो और वहाँ से ये नोट्स आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पीडीएफ ले सकते हो। तो गाइज शुरू करते हैं गाइज आज की वीडियो को। सबसे पहले गाइज हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं बजटरी कंट्रोल क्या होता है, राइट। तो गाइज बजटरी कंट्रोल का पढ़ने से पहले हम तीन इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ेंगे। तो गाइज ये आप देख सकते हो, क्वेश्चन आया है अक्टूबर 2011 एंड अप्रैल 2015 में जो ये क्वेश्चन है गाइज ये आया हुआ है, ठीक है। तो गाइज ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको पहले बताया ये दो बार आ चुका है क्वेश्चन, आप देख लो कैसे फ्रेम होके आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म बजट, बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल। सबसे पहले हम बजट पढ़ेंगे कि बजट क्या होता है। तो गाइज बजट एक फाइनेंशियल या फिर एक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट होती है, मतलब बजट ना एक तरह की स्टेटमेंट होती है जो हम बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं और उसे अप्रूव करते हैं। अगर मान लो हमें कोई स्ट्रेटजी है या बिज़नेस को कंटिन्यू करना है या कुछ उसमें ऑपरेशंस करने हैं या फिर उसमें कुछ कोई पॉलिसी न्यू लॉन्च करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले उस पॉलिसी को लॉन्च करने से पहले या इंप्लीमेंट करने से पहले हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं बजट की, कितना हमारा कैश का बजट होगा, ठीक है। मान लो 1 लाख रुपये हमने रख लिया हमारे कैश, मान लो या 10 लाख हमारे पास एज ए कैश बजट है, ठीक है। तो हमारा प्रोडक्शन बजट क्या होगा ये हम सब डिसाइड कर लेंगे, बजट बना लेंगे, ठीक है। अब पढ़ते हैं कि फीचर्स क्या होते हैं, ये तो हमने बात कर ली कि बजट क्या होता है, अब देखते हैं कि क्या क्या फीचर्स हैं हमारे बजट के। पहला हमारा आ जाता है एसेंशियल फीचर। बजट एक एक्सप्रेशन है जिसमें हम फर्म का प्लान होता है, ठीक है। प्लान के अकॉर्डिंग हम हर चीज़ करते हैं। बजट आप ये भी कह सकते हो कि एक तरह का प्लान है, ठीक है, किसी भी पॉलिसी को लॉन्च करने के लिए या हम कोई भी ऑपरेशन हो रहे हैं हमारे बिजनेस में, ठीक है, वो हमारा हो गया फर्म का प्लान। इट इज़ प्रिपेयर्ड इन मॉनिटरी एंड क्वांटिटेटिव टर्म्स। ये मॉनेटरी और क्वांटिटेटिव टर्म्स में होता है, मॉनेटरी मतलब मनी की फॉर्म में, ठीक है, और क्वांटिटी में हम इसमें डील करते हैं, मतलब उस तरीके से हम बनाते हैं कि मतलब कैश बजट हमारा कितना है, प्रोडक्शन बजट, सेल्स बजट कितना है, ठीक है, इस तरीके से हम बनाते हैं। ये किस लिए प्रिपेयर होता है, कि हम फ्यूचर पीरियड को डिफाइन कर पाएँ, राइट। उसके बाद ये पहले अप्रूव होगा मैनेजमेंट के थ्रू, कि हाँ हम पहले मैनेजमेंट को दिखाएंगे कि हाँ ये हमारा जो बजट हमने बनाया है ये सही है, हमारे बिजनेस के अंडर वर्क हो सकता है, ठीक है। एंड ये मैनेजमेंट के नज़र में अगर ये अप्रूव होगा तभी हम बजट को फॉलो करेंगे। उसके बाद ये क्यों, इसका सबसे बड़ा पर्पस क्या है, कि बजट को बनाने का सबसे बड़ा पर्पस यही है कि हम अपना जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, हमारे बिजनेस का या फॉर्म का ऑब्जेक्टिव है, हम उसे क्या कर पाए, पूरा कर पाए। तो गाइज ये हमने पढ़ा बजट, इसके कुछ फीचर्स पढ़े, अब हम चलते हैं आगे बजटिंग, ये क्वेश्चन। तो गाइज नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बजटिंग। बजटिंग में क्या होता है, हम बहुत सारे जो बजट्स हैं वो प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, बजटिंग में हम बहुत सारे बजट्स प्रिपेयर करते हैं जो एक बिजनेसमैन या मैनेजर या बिजनेस एग्जीक्यूटिव यूज़ करेगा प्लानिंग करते समय और कंट्रोलिंग करते समय बिजनेस के ऑपरेशंस को, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, हमारा ये है बजटिंग है ये हमारा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बजटिंग, बजटरी कंट्रोल क्या होता है। अब बजटरी कंट्रोल एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम बहुत सारे बजट्स यूज़ करते हैं। अब बहुत सारे बजट्स में आप एग्जांपल ले लो, सेल्स बजट हो गया आपका, ठीक है, प्रोडक्शन बजट्स हो गया, कैश बजट हो गया, ठीक है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ आप बजट इसमें यूज़ करते हो ताकि हम प्लानिंग कर सके बिजनेस के ऑपरेशंस की और कंट्रोलिंग कर सके कि हमारे जो एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है वो क्या है, इक्वल है या नहीं है। इसमें जो हमारा काम शुरू होता है बजटरी कंट्रोल में, काम सबसे पहले शुरू होता है
कि हमें बहुत सारे बजट्स को सेट करना होता है, एंड नेक्स्ट उसके बाद जब बजट सेट हो गए, अप्रूव हो गए, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि हम क्या करें, एक्शंस ले सकें। अब जो बजटरी कंट्रोल है वो हमारी हेल्प करता है कि हम हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उसे हम क्या कर सकें, अचीव कर सकें। और इसमें हम पॉलिसी बनाते हैं, जो हम इसमें हम क्या करते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं जो हम फ्यूचर में क्या कर पाएंगे, उसे अचीव कर पाएंगे। ठीक है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट इसमें प्लान्स हम यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो ऑपरेशन है, ठीक है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का, वो क्या हो सके, पूरा हो सके। ठीक है गाइज, तो बजटरी कंट्रोल क्या करता है, एक सुटेबल कंडीशन बनाता है जिसमें हम हमारी इंप्लीमेंट कर पाते हैं हमारी स्टैंडिंग कॉस्टिंग सिस्टम को एक बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है गाइज, तो ये हमने पढ़ा, ये क्वेश्चन हमारा बजटरी कंट्रोल पढ़ा। अब इसके कुछ एलिमेंट्स देखते हैं। अब जो गाइज एलिमेंट्स आ जाते हैं हमारे, वो हमारा आ जाता है बजटरी कंट्रोल के एलिमेंट आ जाता है। पहले हम इसमें बजट को बनाते हैं, बजट्स को इस्टेब्लिश करते हैं, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करते हैं कि हाँ ये मैनेजर होगा, ये बिजनेस एग्जीक्यूटिव है, ये करेगा, ये वो ये करेगा। ठीक है, उसके बाद हम रिकॉर्ड करते हैं परफॉर्मेंस को, अलग अलग एग्जीक्यूटिव जो हमारे काम कर रहे हैं उनकी सारी परफॉर्मेंस को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करके रिकॉर्ड करेंगे, जिससे हमें पता चल सके कितना काम, कौन अच्छा काम कर रहा है, कोई कौन का ही कोई काम कौन गलत कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा हमारा रिवीजन कर सकेंगे हमारी बजट्स की, अगर कुछ गलत हो रहा है तो हम क्या कर सकेंगे, करेक्टिव एक्शंस हैं जो वो क्या कर सकेंगे, ले सकेंगे। नेक्स्ट गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, मार्केट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर बुक्स। सो सबसे पहले आ जाता है हमारा डिफरेंस बिटवीन बजट, बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल। सो गाइस सबसे पहले इसमें मैं आपको बता देती हूँ, आप इसको रीड कर लेना। बजट में क्या था, बजट में हम बजट प्रिपेयर करते थे, ये एक फाइनेंशियल और क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट थी जिसमें हम अपने प्लान्स को बनाते थे। ठीक है, कि किस चीज़ में कितना पैसा खर्च होगा। अगर आप अपने घर में ही देख लो, आप जब महीने में आप एक बजट बनाते हो कि हाँ इस महीने मैंने 10,000 की फ़ीस देनी है, ठीक है, मैंने इतना 10,000 का राशन लाना है, 10,000 का ये करना है, 5,000 का मैंने क्लोथ्स लेने, आप एकदम अपने माइंड में एक बजट सा बना लेते हो कि हाँ तकरीबन 50,000 हमारा लगेगा या 30,000 लगेगा। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, बजट। और बजटिंग क्या है, बजटिंग में हम क्या करते हैं, बहुत सारे बजट्स क्रिएट करते हैं जिससे जो बिजनेस एग्जीक्यूटिव वो क्या कर सकेगा, क्या कर सकेगा गाइस, प्लान कर सकेगा कि किस तरीके से हमारे बिजनेस के ऑपरेशन होंगे। बजटरी कंट्रोल में मैंने आपको बताया, बजटरी कंट्रोल में हम उस बिजनेस और सॉरी बिजनेस कह दिया मैंने, बजट्स को यूज़ करेंगे जिससे हम प्लान कर सकेंगे और कंट्रोल कर सकेंगे बिजनेस की एक्टिविटीज़ को, और ये हेल्प करेगा कि जो ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का वो क्या हो सके, पूरा हो सके। तो गाइस ये हमने कर लिया फर्स्ट क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन जो हमारा आ जाता है, ये तीन क्वेश्चन है, आंसर सेम ही रहेगा, ये मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से फ्रेम होंगे। पहला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, व्हाट इज़ बजटरी कंट्रोल, स्टेट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बजटरी कंट्रोल, व्हाट आर द स्टेप्स इन बजटिंग कंट्रोल। जो ये स्टेप्स हैं ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, 15 मार्क्स में आप देख सकते हो, 2003, 2009, 2016 में भी ये क्वेश्चन आ चुके हैं। नेक्स्ट इसको दूसरे तरीके से भी फ्रेम आउट कर सकते हैं कि व्हाट आर द प्रीलिमिनरी रिक्वायरमेंट फॉर अडॉप्शन ऑफ अ सिस्टम ऑफ बजटरी कंट्रोल, इसमें भी हमें स्टेप्स ही बताने हैं। और आ जाएगा डिफाइन बजटरी कंट्रोल, उसके ऑब्जेक्टिव्स बताओ, प्रोसेस बताओ। ठीक है, मतलब आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5 पर ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, एग्जाम्स में बजटरी कंट्रोल का मीनिंग मैंने आपको ऊपर बता दिया। उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव्स क्या आ जाएंगे गाइस इस बजटरी कंट्रोल के, सबसे पहले आ जाएगा हम फ्यूचर के बारे में प्लान कर सकेंगे। ठीक है, अपनी परफॉर्मेंस जो है अलग अलग सेक्शन या डिपार्टमेंट बिजनेस की, उसे क्या कर सकेंगे, इवेल्युएट कर सकेंगे। हमें पता चलेगा कि कौन सा डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करे, उसका टारगेट क्या है, क्या उसकी परफॉर्मेंस है। ठीक है, उसके बाद डिवाइड कर सकेंगे डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, उसके बाद एक्टिविटीज़ है जो बिजनेस में हो रही हैं उसमें कोऑर्डिनेशन आएगी। ठीक है, तालमेल आएगा उसमें, एंड हम फोरकास्ट कर सकेंगे फ्यूचर में क्या क्या एक्टिविटीज़ या कौन हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी रहने वाली है। राइट, उसके बाद आ जाएगा कि कॉस्ट को हम कंट्रोल कर सकते हैं, कॉस्ट को हम कम कर सकते हैं क्योंकि हमने बजट्स बना दिए हैं, उससे हमें पता चल रहा है कि हाँ इतना खर्च यहाँ होगा, इतना खर्च यहाँ होगा, मतलब कोई फालतू खर्चा नहीं होगा, हम कॉस्ट को कंट्रोल करेंगे, वेस्ट जो हो रहे हैं, लॉसेज हो रहे हैं, उसे हम मिनिमाइज़ कर सकेंगे। ठीक है, उसके बाद कैश को कंट्रोल कर सकेंगे, सेंट्रलाइज जो कंट्रोल होगा उसे फैसिलिटेट कर सकेंगे। ठीक है, एक स्टैंडर्ड सेट कर देंगे कि हाँ ये हमारा स्टैंडर्ड सेट है, ये हमारे स्टैंडर्ड को सेट कर देंगे कि हाँ इतना टारगेट होना चाहिए था, और जो एक्चुअल में हो रहा है हम इसे क्या कर पाएंगे, कंपेयर कर पाएंगे। तो गाइज ये हमने पढ़ लिया अभी इसके ऑब्जेक्टिव्स। अब जो मेन क्वेश्चन आता है जो 15 मार्क्स में आता है, आपको ये पूछेंगे कि व्हाट इज बजटरी कंट्रोल, उसके ऑब्जेक्टिव बता दो, एडवांटेजेस बता दो या, और उसके बाद स्टेप्स। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, यही है जो आपको 15 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है,
बाकी 5-5 मार्क्स में भी आपको पूछ सकते हैं, कंबाइन करके क्वेश्चन भी आ सकता है, बट 15 मार्क्स में अगर अकेला क्वेश्चन आएगा तो यही बन सकता है। तो गाइज अब हम पढ़ते हैं स्टेप्स इन बजटरी कंट्रोल, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और आप इसे कह सकते हो कि प्रीलिमिनरी रिक्वायरमेंट फॉर अडॉप्शन ऑफ सिस्टम ऑफ बजटरी कंट्रोल, स्टेप्स बताएंगे। तो गाइज इसमें टोटल 12 स्टेप्स हमारे आ जाएंगे। सबसे पहला हमारा स्टेप है, इसे हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं, समझते हैं। सबसे पहला का स्टेप आ जाता है डिटरमिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना एम बनाना है, मतलब अपना ऑब्जेक्टिव बनाना कि आप क्या चाहते हो। मान लो आप चाहते हो कि मेरे जो प्रोडक्ट है ना वो 50,000 सेल हो जाए 1 मंथ में या 1 साल में। आप कोई भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है, ठीक है, कि मुझे इतनी प्रोडक्शन करनी है, इतना डिमांड बढ़ानी है, या कुछ भी करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव सेट करना है, डिटरमाइन करना है ऑब्जेक्टिव बजटरी कंट्रोल को अपनाने से पहले, अडॉप्ट करने से पहले। नेक्स्ट आ जाएगा फिर आपको लोकेशन, मतलब पता करना है कि कौन कौन से बजट की फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं आपकी एक्टिविटीज़ को। अब बजट की फैक्टर्स क्या होता है, बजट की फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं आपकी बिजनेस की एक्टिविटीज़ को, ठीक है, कम करते हैं या ज़्यादा करते हैं, इसे हम कहते हैं बजट की फैक्टर। इसका एग्जाम्पल ले लो कस्टमर की डिमांड, प्लांट की कैपेसिटी। अगर कस्टमर की डिमांड ज़्यादा होगी तो आप प्रोडक्शन कम करोगे कि ज़्यादा, सोचो ज़्यादा करोगे ऑब्वियसली। और अगर मान लो आपका प्लांट का कैपेसिटी, मान लो आपकी जो फैक्ट्री है उसमें एक दिन में आप 100 पेन बना सकते हो, क्या 150 पेन बना पाओगे, नहीं बना पाओगे, ठीक है, चाहे डिमांड ज़्यादा हो तो कम हो, आपको प्लांट की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। ये हमारा आ जाता है बजट की फैक्टर्स। इसका एक और एग्जाम्पल ले लो, मान लो कि जो सेल डिपार्टमेंट है वो सिर्फ 25,000 यूनिट्स से सेल कर पाया है। तो मान लो आपके पास 50,000 यूनिट्स है, ठीक है, 50,000 यूनिट्स का कोई काम है नहीं है, आप 25,000 सेल कर पाए तो 25,000 ही बनाओगे। तो आप कोशिश करोगे कि आप 50,000 नहीं बनाओगे, 25,000 बनाओगे, क्योंकि 25,000 वेस्ट हो रहे हैं। तो बजट की फैक्टर को हम सबसे पहले डिटरमाइन कर लेंगे कि क्या डिमांड है, क्या प्लांट की कैपेसिटी है हमारी, ठीक है, कितने आपके पास रॉ मटेरियल है, आप सबको पहले लोकेट कर लोगे। सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप आपका आ जाएगा, आप इस्टेब्लिश करोगे बजट सेंटर, बजट सेंटर बनाओगे। बजट सेंटर एक ऑर्गेनाइजेशन है एक एंटरप्राइज की, जिसमें आप डिफाइन करते हो कि क्या आपका पर्पस होना चाहिए बजट बनाने का, ठीक है, और जो बजट सेंटर्स हैं वो क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए और इस्टेब्लिश होने चाहिए एज अ सेपरेट बजट। अब इसका एग्जाम्पल ले लो, मान लो आप बजट सेंटर बना रहे हो, किस किस का बना सकते हो, आप बना सकते हो कैश बजट हो गया, प्रोडक्शन बजट, सेल्स बजट। अब मान लो जो आपका कैश बजट है वो कौन हैंडल करेगा, आप किससे कंसर्न लोगे, फाइनेंशियल मैनेजर से लोगे, और अगर आप प्रोडक्शन बजट बना रहे हो तो किससे आप कंसर्न लोगे, किससे आप हेल्प ले सकते हो, प्रोडक्शन मैनेजर से बना सकते हो। मतलब ये चीज़ आप इस्टेब्लिश करके रखोगे कि किससे आप कंसर्न ले सकते हो, किससे आप हेल्प ले सकते हो। उसके बाद आ जाएगा प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाओगे नेक्स्ट स्टेप में। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट वो होता है, मतलब उसमें आप सभी को बता दोगे कि भाई तेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तू मैनेजर है, तू प्रोडक्शन बजट बनाएगा, तू ये करेगा वो करेगा। मतलब इसमें क्या करोगे आप, ड्यूटीज़ हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो उसे क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट में। नेक्स्ट 5th स्टेप आ जाएगा इसका, इंट्रोडक्शन ऑफ एडुकेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अब गाइज आपने बजट वगैरह जो ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दी, अब आपको अकाउंटिंग जो रिकॉर्ड्स हैं, मतलब रिकॉर्ड लिखते रहोगे ना हर चीज़। अगर आप चाहते हो कि आपका सक्सेसफुल बजटरी कंट्रोल रन हो आपके बिजनेस में, तो आप सबसे पहले रिकॉर्ड्स बनाओगे, अकाउंटिंग रिकॉर्ड, जनरल एंट्रीज, लेजर्स, ठीक है, जो अकाउंट हमें चाहिए वो आप प्रिपेयर करके रखोगे, ताकि हमें अगर आप करेक्टिव एक्शन लेना चाहते हो वो आपकी हेल्प करें कि कहाँ पे गड़बड़ी हो रही है, आपके पास क्या होना चाहिए, रिकॉर्ड्स होने चाहिए, ठीक है, जनरल एंट्रीज होगी, लेजर्स हो गए। उसके बाद आएगा अपॉइंटमेंट ऑफ बजट कंट्रोलर। उसके बाद आपको एक बजट कंट्रोलर के रूप में एक पर्सन और एक ऑफिसर को क्या करना पड़ेगा, अपॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि वो बजट बनाने में आपकी क्या कर सके, हेल्प कर सके। नेक्स्ट आ जाएगा फॉर्मेशन ऑफ बजट कमेटी। उसके बाद आप बजट की कमेटी फॉर्मेट करोगे, मतलब बजट कमेटी बनाओगे, ठीक है। बजट कंट्रोलर जो हमने पीछे अपॉइंट किया है वो क्या करेगा, अपने काम करेगा, वो क्या करेगा, जो बजट हमारा कंट्रोलर है वो जो अपॉइंट होगा वो किसके थ्रू होगा, बजट की कमेटी के थ्रू। जो बजट कमेटी है वो एक ऐसा ग्रुप है रिप्रेजेंटेटिव्स का, जैसे परचेज डिपार्टमेंट हो गई, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, वो क्या करेंगे, एक पर्सन को अपना चेयरमैन चुनेंगे। इसमें बजट कमेटी में क्या होगा, जैसे बजट कंट्रोलर को हमने अपॉइंट किया, अब वो क्या करेगा, बजट कमेटी बनाएगा डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की। मान लो उसने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, ठीक है, जिसमें और हमारा आ जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन, इस वो क्या करेगा, अलग अलग, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने एक कमेटी बना दी और उसमें एक चेयरमैन बना दिया,
इससे क्या होगा, बजट बनाने में आसानी रहेगी और बजट को इम्प्लीमेंट करने में भी आसानी रहेगी। नेक्स्ट आ जाएगा प्रिपरेशन ऑफ बजट मैनुअल। अब बजट मैनुअल क्या होता है, सबसे पहले ये देखते हैं, क्योंकि ये स्टेप में हम क्या करेंगे, बजट मैनुअल प्रिपेयर करेंगे। बजट मैनुअल क्या होता है, कि ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम डिटेल प्रोसीजर्स, किस तरीके से हमारा जो बजट कंट्रोल सिस्टम है वो हमारा ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, इम्प्लीमेंट होगा, उसको हम कहते हैं बजट मैनुअल। मतलब उसमें हमें प्रोसीजर बताया होता है कि किस तरीके से बजटरी कंट्रोल हम एज ए सिस्टम इम्प्लीमेंट करेंगे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद आएगा फिक्सेशन ऑफ बजट पीरियड। बजट पीरियड को फिक्स करेंगे, मान लो वैसे तो अगर हम फाइनेंशियल पीरियड की बात करें वो हमारा होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, बट ये बिजनेस पे डिपेंड करता है कि वो अपना जो बजट पीरियड है वो कब तक रखना चाहता है। मान लो वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक रखना चाहता है, उसकी मर्जी है, ठीक है। तो जो बजट्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, पहला होता है शॉर्ट टर्म बजट, दूसरा होता है लॉन्ग टर्म बजट। शॉर्ट टर्म बजट वो होता है जो एक साल तक या 1 साल से कम होता है, और लॉन्ग बजट 1 साल से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट आ जाएगा सेकंड लास्ट पॉइंट, प्रिपरेशन एंड अप्रूवल ऑफ बजट प्लान। सबसे पहले इस स्टेप में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसमें हम बजट क्या कहते हैं, बजट के प्लान को बनाएंगे कि क्या हमारा प्लान रहने वाला है इस बजट पीरियड में, ठीक है, किस तरीके से रहने वाला है। उसके बाद हम अप्रूवल किसकी होगी, मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट जो हमारा पूरा मैनेजमेंट है वो सभी देखेगा कि बजट सही है बना है या प्लान हमारे सही है कि नहीं। जब उसकी अप्रूवल मिल जाएगी, लास्ट स्टेप हमारा क्या होगा, इम्प्लीमेंट करेंगे बजट प्लान को। जो हमने बजट का प्लान बनाया ना, उसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे, जिससे हमारा जो ऑब्जेक्टिव है हम क्या कर सकें, पा सकें, मतलब उस ऑब्जेक्टिव तक हम पहुंच सकें। तो गाइज ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो गाइज ये मतलब हमारा क्वेश्चन है, एंड आज की वीडियो में बस इतना ही। हमने आज हम पढ़ा बजटरी कंट्रोल, इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़े, स्टेप्स पढ़े, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे बजट मैनुअल क्या होता है, 5 मार्क्स और 15 मार्क्स में दोनों के लिए इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस पढ़ेंगे बजटरी कंट्रोल के। तो अगर वो वीडियो आप चाहते हो, वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है चैनल पे, आप सर्च बार में जाइए और यूट्यूब के सर्च बार में जाके आप लिख सकते हैं बजट मैनुअल बाय सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल, तो मेरी वीडियो आ जाएगी। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक। Thank you guys.